आप सभी YouTube दर्शकों और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। कोविड-19 की जांच जल्दी पाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। यद्यपि अभी भी RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, परंतु आजकल कभी-कभी हमें रोगी की जांच जल्दी प्राप्त करनी होती है, उसके लिए यह ICMR द्वारा प्रमाणित रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, जिससे हमारे जो अन्य एजुकेशनल वीडियो हैं या मोटिवेशनल वीडियो हैं, उनकी जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यह टेस्ट एक एंटीजन टेस्ट किट के द्वारा किया जाता है। इस किट में एक स्टेराइल स्वाब होता है, एक वायरल एक्सट्रैक्शन ट्यूब होती है, नॉजल होता है और टेस्ट स्ट्रिप होती है। सबसे पहले रोगी के सिर को पीछे की तरफ घुमाकर स्टेराइल स्वाब द्वारा दोनों नासिकाओं से सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेते समय पूरी PPE किट पहनना अनिवार्य है। सैंपल लेने के बाद इसको वायरल एक्सट्रैक्शन बफर ट्यूब में डुबोया जाता है और उसमें ठीक से हिलाया जाता है। इसके साथ ही इस ट्यूब को स्क्वीज करके जितना भी एंटीजन होता है वह बफर में ले लिया जाता है। बफर में आने के बाद इस ट्यूब के ऊपर नॉजल वाली कैप लगा दी जाती है। अब 2 से 3 ड्रॉप टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर इस सॉल्यूशन को डालते हैं और 15 से 30 मिनट के अंदर इस टेस्ट को पॉजिटिव है अथवा निगेटिव है उसको पढ़ते हैं। यदि हमारी टेस्ट स्ट्रिप पर 2 लाइनें रंगीन दिखाई पड़ती हैं, यानी कि कंट्रोल की और टेस्ट की दोनों रंगीन हैं, चाहे वो लाल है अथवा गुलाबी, तो यह टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। यदि केवल कंट्रोल वाली लाइन लाल है और टेस्ट वाली लाइन पर कोई रंग नहीं है तो यह टेस्ट नेगेटिव माना जाता है। परंतु यदि कंट्रोल वाली लाइन पर कोई भी रंग नहीं है परंतु टेस्ट वाली लाइन पर गुलाबी अथवा लाल रंग दिखाई पड़ता है तो यह टेस्ट इनवैलिड माना जाता है। ऐसी अवस्था में यह टेस्ट दोबारा किया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। यह ICMR द्वारा प्रमाणित किया गया है और इसमें केवल नेजोफेरिंजियल स्वाब लिया जाता है। इसमें गले से कोई भी स्वाब नहीं लिया जाता। यह 99.3 से 100% रिलायबल और स्पेसिफिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यह पॉजिटिव आता है तो हमें RT-PCR करने की आवश्यकता नहीं है। हम रोगी को कोविड पॉजिटिव मानते हैं। क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 50.6 से 84% है, अतः यदि यह टेस्ट निगेटिव आता है तो हमें रोगी को निगेटिव नहीं मानना है, बल्कि कंफर्म करने के लिए RT-PCR टेस्ट करना है। जो RT-PCR के लिए वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम वायल यूज की जाती है उसमें यह टेस्ट काम नहीं करता। हमें यह ध्यान रखना है कि यह किट 2 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के टेम्परेचर पर ही रखी जाए। इस टेस्ट को कंटेनमेंट जोन में उन सभी लोगों पर किया जाता है जिनके अंदर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स मौजूद हैं। और यहां पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह टेस्ट ऑन साइट यानी कि स्थल पर ही किया जाता है। सैंपल लेकर लैब नहीं भेजा जाता, क्योंकि सैंपल लेकर ट्यूब में
डालने के बाद यह एक घंटे के अंदर अंदर इसकी टेस्टिंग कर लेनी है। इसके अलावा उन रोगियों को जिनमें कोई सिम्टम नहीं है परंतु उनके अंदर रिस्क हाई है और वे कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, जैसे फेफड़े की बीमारी, जिगर की बीमारी, लीवर की बीमारी, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, उनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनमें यह टेस्ट किया जाता है। यदि हम बात करें हॉस्पिटल सेटिंग की, तो हॉस्पिटल में जैसा पहले बताया था कि जिनमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम है उनमें किया जाता है, और जो हाई रिस्क के एसिम्प्टोमेटिक हैं उनमें, जैसे जो इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी पर हैं, जिनमें कीमोथेरेपी चल रही है, जो कैंसर के रोगी हैं, जो एचआईवी के मरीज हैं, जो एल्डरली हैं और साथ में उनको अन्य बीमारियां हैं जैसे किडनी की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की बीमारी या अन्य कोई बीमारी, मैं यहाँ एक बात पुनः कहना चाहूँगा कि चाहे वो हेल्थ केयर सेटिंग हो या कंटेनमेंट जोन हो, टेस्ट को ऑन साइट ही करना है। हॉस्पिटल में यदि हम कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं या कोई नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जैसे ब्रोंकोस्कोपी या एंडोस्कोपी करने जा रहे हैं, तो भी इसी रैपिड टेस्ट से हम लोग कोविड का पॉजिटिव या निगेटिव होना तय कर सकते हैं। एक बहुत आवश्यक सूचना आपको देना चाहूँगा कि सारे टेस्ट रिजल्ट, चाहे पॉजिटिव आए और चाहे निगेटिव आए, ये ICMR के COVID-19 पोर्टल पर दर्ज करना बहुत ज़रूरी है, और जो आपकी राज्य की अथॉरिटी है उनको रियल टाइम बेसिस पर इन्फॉर्म करना है। रियल टाइम बेसिस का अर्थ यह हुआ कि जैसे ही आप टेस्ट करें वैसे ही उनको आप इन्फॉर्म करें। समरी में आप ये मान के चलिए कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव मान के चलना है, यह कोविड पॉजिटिव है और इसमें आगे किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर निगेटिव आ रहा है और सिम्टोमेटिक है तो इसमें RT-PCR करना है। अगर निगेटिव आ रहा है, ये सिम्टोमेटिक है, कोई हाई रिस्क नहीं है, तो इसको निगेटिव डिक्लेयर करना है। हमें आशा है कि आपको अब तक यह समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस रैपिड एंटीजन टेस्ट को कैसे करते हैं और इसकी क्या महत्ता है। आपने हमारे द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे पुनः यह आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को न केवल देखेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, बल्कि सब्सक्राइब भी करेंगे। अगले एजुकेशनल वीडियो के साथ आपके समक्ष जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार।